ये फिल्म 30 वर्षीय बेरोजगार व्यक्ति डेव के बारे में है, जो पूरी तरह से कार्डबोर्ड से बनी भूल भुलैया के निर्माण में तल्लीन होकर अपने दिन बिताता है। एक प्रतिभाशाली कलाकार होने का दावा करने के बावजूद उन्होंने कभी भी कुछ भी व्यावहारिक नहीं बनाया है। फिल्म एक रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार के साथ शुरू होती है, जहां डेव अफसोस के संकेत के साथ बताते हैं कि भूल भुलैया खुद को साबित करने का उनका प्रयास है। वह उदास होकर अपनी रचना के कारण हुई मौतों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। फिर कहानी 3 दिन पहले की है, जब डेव की प्रेमिका एनी एक यात्रा से लौटती है। लिविंग रूम में एक विशाल कार्डबोर्ड संरचना को देखकर वो डेव को बुलाती है, जो भूल भुलैया के अंदर से जवाब देता है। बेफिक्र होकर वो उसके घर का स्वागत करता है और गर्व से घोषणा करता है कि उसने अकेले ही भूल भुलैया का निर्माण किया है। हैरान होकर एनी शॉवर की ओर चली गई और उम्मीद कर रही थी कि डेव शीघ्र ही उसके साथ आ जाएगा। वापस लौटने पर एनी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि डेव अभी भी कार्डबोर्ड भूल भुलैया में फंसा हुआ है। हैरान होकर वो उसे याद दिलाती है कि यह सिर्फ कार्डबोर्ड है और सुझाव देती है कि वह इसे गिराकर आसानी से बाहर आ सकता है। हालांकि डेव बताते हैं कि वह पूरे सप्ताहांत इस पर काम कर रहे हैं और जटिल निर्माण में अपना रास्ता खो चुके हैं। डेव कार्डबोर्ड संरचना की विशालता के बारे में अड़े हुए, इसके निर्माण में लगाए गए समय और प्रयास पर जोर देते हुए इसे नष्ट करने से इनकार करते हैं। अधीर होकर एनी ने प्रवेश करने का फैसला किया, लेकिन डेव ने संभावित खतरे का हवाला देते हुए उसे रोक दिया। निराश होकर एनी ने गत्ते के बक्सों को हिलाने का प्रयास किया, जिससे अंदर अफरा तफरी मच गई। डेव चिंतित होकर आसन परिणामों के बारे में चिल्लाते हुए उससे रुकने की विनती करता है। जैसे ही एनी जिद करती है, डेव घबरा जाता है और चिल्लाता है, तुम मुझे आने दोगे, और अनिच्छा से मान जाता है। हालांकि उनका कहना है कि खो जाने के जोखिम के कारण उसे प्रवेश नहीं करना चाहिए। एनी अब चिंतित है, सवाल करती है कि डेव कार्डबोर्ड संरचना के अंदर कितने समय से है, जिस पर उसने खुलासा किया कि 3 दिन हो गए हैं। उसकी भलाई के बारे में चिंतित एनी भूल भुलैया को खत्म करने का सुझाव देती है, लेकिन डेव स्थिर रहता है, एक और समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोई अन्य सहारा न होने पर एनी सहायता के लिए डेव के दोस्त गॉर्डन से संपर्क करती है। थोड़ी देर बाद गॉर्डन आता है और एनी बॉक्स के अंदर से उसे स्थिति के बारे में बताती है। डेव अभी भी भूल भुलैया के अंदर है, इस बात पर जोर देता है कि किसी को भी अभी तक प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूल भुलैया पूरी नहीं हुई है। जटिल कार्डबोर्ड संरचना के बीच डेव ने अपनी रचना की सुंदरता को पूरी लगन से समझाते हुए बताया कि कैसे उन्होंने इसे केंद्र से बाहर की ओर बनाया, जो एक समुद्री सीप के विकास पैटर्न जैसा दिखता है। एनी और गॉर्डन स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए परियोजनाओं को शुरू करने, लेकिन उन्हें अधूरा छोड़ने की डेव की प्रवृत्ति पर विचार करते हैं। अहम सवाल उठता है, डेव भूल भुलैया के दायरे में खुद को कहां राहत दे रहा है? उनकी चिंताओं को सुनकर डेव ने खुलासा किया कि उसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, जिससे तत्काल चिंता बढ़ गई। गॉर्डन कार्डबोर्ड उठाने का प्रयास करता है, लेकिन भूल भुलैया के अंदर मशीनरी के समान अचानक हिंसक झटके उनके प्रयासों को बाधित करते हैं। कोई विकल्प नहीं होने पर गॉर्डन अपने पारस्परिक मित्र लियोनार्ड से मदद लेने का विकल्प चुनता है। हालांकि स्थिति एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि लियोनार्ड और अधिक मदद के लिए बुलाता है, जिसमें पत्रकार हैरी और उसके चालक दल, भाई बहन ग्रेग और ब्रायन, अति उत्साही आगंतुक जेन, 2 बेल्जियम के पर्यटक और एक बेघर व्यक्ति शामिल हैं। डेव भूल भुलैया के भीतर संभावित बाधाओं और मूर्ख जाल के खतरों का हवाला देते हुए हर किसी को तोड़ने या प्रवेश करने के खिलाफ सख्त चेतावनी देता है। इससे लियोनार्ड निराश हो जाता है, जो घर लौटने का फैसला करता है। उसे डेव की अपमानजनक टिप्पणी का सामना करना पड़ता है, अपने उल्लू अपने पास रखो। आगामी दृश्य में एनी की चिंता बढ़ जाती है, जिससे डेव को उसे इस कष्ट से गुजरने के लिए खेद व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्षमा याचना के बीच वह उसके लिए अपनी लालसा को स्वीकार करता है, और एनी भावना से नर्म होकर स्वीकार करती है कि वह भी उसे याद करती है। स्थिति से निराश होकर एनी डेव को वापस लाने के लिए भूल भुलैया के अंदर जाने का फैसला करती है। हैरी अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए अवसर का लाभ उठाते हुए उत्सुकता से हर पल का दस्तावेजीकरण करता है। एनी के साहसी उद्यम के बारे में जानने पर समूह बेघर आदमी को छोड़कर उसके साथ जुड़ने का विकल्प चुनता है। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, वास्तविकता उनके सामने आ जाती है। डेव अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। भूल भुलैया अपने बाहरी स्वरूप से कहीं अधिक बड़ी है। गॉर्डन अनजाने में अपनी उंगली काट रहा है, एक असामान्य घटना का गवाह बनता है, क्योंकि कार्डबोर्ड फर्श अप्रत्याशित तीव्रता के साथ उसके खून को अवशोषित करता है। एनी के साहस से उत्साहित होकर जेन और समूह के बाकी सदस्य भूल भुलैया के भीतर अपने अन्वेषण पर निकल पड़ते हैं।
जैसे ही हैरी और उसके दल सहित समूह जटिल भूलभुलैया के माध्यम से एनी और गॉर्डन का पीछा करता है, उन्हें तुरंत एहसास होता है कि भूलभुलैया की जटिलता उनकी प्रारंभिक अपेक्षाओं से अधिक है। उनके रास्ते को समझने का प्रयास करते हुए हैरी की नज़र दीवार पर एक बटन पर पड़ती है जिस पर चेतावनी का लेबल लगा हुआ है। सावधानी को नज़रअंदाज करते हुए वो लापरवाही से इसे दबाता है, जिससे एक अप्रत्याशित घटना शुरू हो जाती है। गॉर्डन को एक गेंद लग जाती है। आगे बढ़ते हुए समूह को एक दालान का सामना करना पड़ता है जो एक अजीब संगीत कक्ष की ओर जाता है। दीवार पर चित्रित कीबोर्ड उन्हें आकर्षित करते हैं और एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन सामने आता है। वे काली चाबियों के माध्यम से दीवार में प्रवेश कर सकते हैं। यह मार्ग उन्हें फेंके हुए कागज से भरे एक गड्ढे की ओर ले जाता है, जिसकी निगरानी बालकनी पर बैठे सतर्क ओरिगमी पक्षी करते हैं। शांति तब भंग हो जाती है जब पक्षियों में से एक हमला करता है, जिससे समूह दहशत में आ जाता है। कमरे का दरवाजा बंद हो गया, जिससे एनी को वैकल्पिक निकास की तलाश करनी पड़ी। अराजकता के बीच एनी को दीवार पर एक विशाल चेहरे वाला मूर्तिकार दिखाई देता है, जिसके मुंह से वो बाल बाल बच जाती है। यह अनुभव एनी को झकझोर कर रख देता है। वो इस अवास्तविक धारणा से जूझती है कि ओरिगमी पक्षी जीवित हैं। हैरी उसकी प्रतिक्रिया को कैमरे में कैद करने का प्रयास करता है, लेकिन जेन द्वारा उस क्षण को बाधित कर दिया जाता है, जो उत्साह से कमरे में भाग जाती है। वह भूल भुलैया अन्वेषण के बारे में अपना उत्साह साझा करती है, अप्रत्याशितता की एक परत जोड़ती है। उनकी खोज के बीच जेन गलती से एक बूबी ट्रैप चला देती है, जिसके परिणामस्वरूप उसका सिर भयानक रूप से उसके शरीर से अलग हो जाता है। हालांकि हर किसी को आश्चर्य हुआ, खून के बजाय सूत और कन्फेदी बाहर फैल गए। यह विभत्स दृश्य समूह को दहशत में डाल देता है और कमरे से भाग निकलने के लिए उन्मत्त हो जाता है। फिर कहानी ग्रेग और ब्रायन पर केंद्रित हो जाती है, जो भूल भुलैया के भीतर लुका छिपी के खेल में डूबे हुए हैं। दुखद बात यह है कि ग्रेग एक और मूर्ख जाल बिछाता है, जो दीवार और नुकीली ग्रिल के बीच फंस जाता है, जिससे तुरंत मौत हो जाती है। ब्रायन अपने बेजान शरीर को देखकर भयभीत हो जाती है और स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि उस पर एक अजीब गुलाबी पदार्थ छिड़का जाता है। इस बीच एनी ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए सवाल किया कि डेव ने इन घातक जालों को भूल भुलैया में क्यों शामिल किया। गॉर्डन स्पष्ट करने का प्रयास करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि जाल भूल भुलैया को केवल हॉलवे की श्रृंखला से एक चुनौतीपूर्ण और गतिशील वातावरण में बदलने के लिए अभिन्न अंग है। समूह, जिसमें अब भयभीत ब्रान भी शामिल हो गया है, को ग्रेग के भाग्य के बारे में पता चलता है। जैसे ही वे उसके निधन के स्थान के पास पहुंचते हैं, वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ग्रेग का शरीर गायब है और खून का निशान और विशाल पदयात्रा कमरे से बाहर जाती है। जैसे ही समूह बूबी ट्रैप के परिणाम का सर्वेक्षण करता है, गॉर्डन यह निष्कर्ष निकालता है कि अशुभ पदचिन्ह एक पौराणिक प्राणी के हैं, एक नरभक्षी मिनोटोर, आधा बैल आधा मानव, जिसे मनोरंजक रूप से गाय फियरी नाम दिया गया है। ये रहस्य उद्घाटन उनकी दुर्दशा में भय और तात्कालिकता की एक अप्रत्याशित परत जोड़ता है। एनी भूल भुलैया से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित है, कार्डबोर्ड की दीवार को काटने के लिए चाकू का उपयोग करती है। हालांकि जैसे ही वो दीवार को तोड़ने का प्रयास करती है, एक परेशान करने वाली हवा चलती है, जिसके साथ तेज अशुभ आवाजें उसके कार्यों का विरोध करती प्रतीत होती हैं। चुनौतियों के बावजूद एनी दृढ़ रहती है और सफलतापूर्वक दीवार खोलती है, लेकिन दूसरी तरफ एक और कमरा खोजती है। आसन्न खतरे को भांपते हुए एनी और अन्य लोग तेजी से नए कमरे में प्रवेश करते हैं और ब्रान से उनके साथ आने का आग्रह करते हैं। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में ब्रान झिझकता है और पीछे रह जाता है। अचानक एक विशाल राक्षस, संभवतः मिनोटोर, तेजी से उसे पकड़ लेता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी जान के डर से समूह हड़बड़ाहट में शरण की तलाश में घटनास्थल से भाग जाता है। अपने अराजक पलायन के दौरान उनका अप्रत्याशित रूप से डेव से सामना होता है, जो भूल भुलैया के भीतर एक अजीब कमरे की ओर जाने वाले एक छोटे दरवाजे के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करता है। कमरा एक विचित्र सेटिंग है, जिसमें पूरी तरह से कार्डबोर्ड और कागज से तैयार की गई एक मेज और कुर्सी है। डेव और रहस्यमय कमरे के साथ अप्रत्याशित उनके भागने में अत्यथार्थवाद का माहौल जोड़ती है। जैसे ही समूह एक क्षणिक अभयारण्य में पहुंचता है, तनाव बढ़ जाता है और उनकी अनिश्चित स्थिति के लिए डेव पर दोष मढ़ा जाता है। डेव खुद को सही ठहराने का प्रयास करते हुए भूल भुलैया में प्रवेश करने के खिलाफ अपनी चेतावनियों का उल्लेख करता है। गर्मा गर्म बहस के बावजूद वह उनका मार्गदर्शन करने का वादा करता है और उन्हें एक गुप्त दरवाजे से अपने पीछे आने का संकेत देता है। उन्हें आश्चर्य हुआ, डेव उन्हें एक पाइप के माध्यम से ले जाता है और उन्हें कार्डबोर्ड पात्रों में बदल देता है।
भ्रमित और निराश एनी और अन्य लोग स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। डेव उन्हें आश्वस्त करते हुए कि अपार्टमेंट में लौटने पर सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, विशाल की अचानक उपस्थिति से उनका पलायन बाधित हो गया। विशाल से भागकर डेव एक सुरंग के माध्यम से समूह का नेतृत्व करता है और चमत्कारिक रूप से वे उभरने पर अपने सामान्य रूप में वापस आ जाते हैं। हालांकि मिनोटॉर बाहर उनका पीछा करता है, जिससे डेव को जानवर को रोकने के लिए एक अस्थायी अवरोध बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जा रही है, समूह के बीच बहस छिड़ जाती है। प्रत्येक सदस्य भूलभुलैया से बचने की तत्परता व्यक्त करता है। स्पष्टता के क्षण में डेव ने एक आश्चर्यजनक समाधान का खुलासा किया। उन्हें अपना रास्ता खोजने के लिए अधूरी भूलभुलैया का निर्माण पूरा करना होगा। हालांकि एनी भूलभुलैया के निर्माण को जारी रखने में डेव की भागीदारी का पुरजोर विरोध करती है और जोर देती है कि वो उन्हें सीधे बाहर की ओर ले जाता है। अनिच्छा से सहमत होते हुए डेव उन्हें भूलभुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है और वे एक रहस्यमय दीवार पर ठोकर खाते हैं। कहीं और लियोनार्ड घर लौटकर भूलभुलैया में वापस आ जाता है। मिनोटॉर की कुल्हाड़ी और जेन के बेजान अवशेषों के साथ उसकी परेशान करने वाली मुठभेड़ उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है, लेकिन एक परेशान करने वाले आश्चर्य का पता चलता है। एक विशाल ओरिगमी कीट उसकी पीठ से चिपक जाता है। कार्डबोर्ड अराजकता की रहस्यमय दुनिया में कथानक तब और गहरा हो जाता है जब डेव भूलभुलैया का भ्रमित निर्माता खुद को उन संरचनाओं से परेशान पाता है जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें निर्माण के बारे में याद नहीं है। डेव एनी और समूह को मनोरंजन कक्ष में ले जाता है और पुराने ब्रिटिश मनोरंजन का एक अनोखा प्रदर्शन पेश करता है। उनकी यात्रा एक अवास्तविक मोड़ लेती है जब वे दीवार पर एक सम्मोहक उद्घाटन के साथ दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं जो उन्हें अंदर खींचता है। डेव की चेतावनियों के बावजूद आकर्षण बहुत शक्तिशाली साबित होता है और एनी और अन्य लोग रहस्यमय प्रवेश द्वार की ओर मजबूर हो जाते हैं। लापरवाही के एक क्षण में डेव ने अपना हाथ उस आकर्षक छेद पर रख दिया और उसे कार्डबोर्ड में बदल दिया। अजीब घटनाओं से विचलित हुए बिना समूह आगे बढ़ता है, लेकिन पता चलता है कि भूलभुलैया स्वायत्त रूप से बढ़ने लगी है। सामने आ रहे पागलपन से अभिभूत होकर डेव ने विशाल को हराने में उसकी मदद करने के लिए सभी से प्रार्थना की, जिससे उसे भूलभुलैया को पूरा करने और अंततः अपने घर का रास्ता खोजने में मदद मिली। अफसोस की बात है कि समूह डेव की सहायता करने के विचार को खारिज कर देता है और अराजकता के बीच हैरी डेव की दुर्दशा को अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए कैप्चर करने का सुझाव देता है। अनिच्छुक होने के बावजूद डेव सहमत हो जाता है और एक स्पष्ट साक्षात्कार में अपना दिल खोलकर रख देता है, जिससे लगातार बढ़ती भूलभुलैया के भीतर उसके संघर्षों की गहराई का पता चलता है। एक खुलासा साक्षात्कार में भूलभुलैया के दिल का सामना करते हुए डेव अपने माता पिता पर निर्भर 30 वर्षीय बेरोजगार व्यक्ति के रूप में अपनी गहरी बैठी आत्म घृणा को उजागर करता है। वह कबूल करता है कि भूलभुलैया खुद को साबित करने और उसके प्रतीत होने वाले अप्रभावी जीवन की बेड़ियों से मुक्त होने का एक हताश प्रयास था। अपनी भावनात्मक उथल पुथल सहित भूलभुलैया में खोई गई जिंदगियों के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हुए डेव की भेद्यता एनी के साथ जुड़ाव पैदा करती है। उसके भावनात्मक विस्फोट से प्रेरित होकर एनी ने उसे भूलभुलैया से निकलने में मदद करने का वचन दिया। समूह एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर भागने की योजना तैयार करने पर फिर से ध्यान केंद्रित करता है। गॉर्डन का सिद्धांत है कि जैसे जैसे भूलभुलैया जीवित और बढ़ती हुई दिखाई देती है, उसमें एक दिल होना चाहिए। डेव सहमत हैं ये स्वीकार करते हुए कि हर रचना में एक कमजोरी होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने भूलभुलैया के विनाश को रोकने के लिए एक भी कमजोरी नहीं बनाई। गॉर्डन कुछ भी पूरा न होने पर असफल न होने की विडंबना पर व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी करता है। हालांकि एनी असफलता के सार को जीवन के हिस्से के रूप में अपनाते हुए डेव को भूलभुलैया को नष्ट करने और बाहर निकलने के लिए एक क्रिसलिस बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नए उद्देश्य के साथ डेव के नेतृत्व में समूह भूलभुलैया की खोज फिर से शुरू करता है। वे ब्रान से मिलते हैं, जो अब दीवार से बंधी एक कागज की गुड़िया है और हाई फाइव की तलाश में है। संभावित जाल से सावधान होकर उन्होंने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। डेव और डैनी आगे बढ़ते हैं, जबकि गॉर्डन और बाकी लोग ब्रान का ध्यान भटकाने के लिए बने रहते हैं। अगले दृश्य में डेव और डैनी बातचीत करते हुए एक अंधेरी सुरंग को पार करते हैं। इसके साथ ही एनी विभिन्न सफल भूमिकाएं निभाती है, जो डेव के लगातार एक बेवकूफ के रूप में चित्रण के विपरीत है। लगातार बदलते परिदृश्यों के बावजूद उनकी खुशी लगातार बनी रहती है। जैसे ही जोड़ा भूलभुलैया के केंद्र पर पहुंचता है, वे उसके हृदय का निर्माण शुरू कर देते हैं। एनी तलवार से लैस होकर कार्डबोर्ड की दीवार को काटती है, जिससे गॉर्डन और अन्य लोगों में प्रत्याशा की भावना जागृत होती है।
जवाब में उन्होंने एनी के खिलाफ किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए ब्रान को सुरक्षित कर लिया। जैसे ही समूह भूल भुलैया के केंद्र में इकट्ठा होता है, ब्रान एक विशाल हाथ में एक अवास्तविक परिवर्तन से गुजरता है जो जमीन में समा जाता है। कैमरामैन अपने उपकरणों को बचाने के लिए बहादुरी से खुद को बलिदान कर देता है और समूह को छोड़कर एनी और डेव में शामिल हो जाता है। हालांकि विशाल मिनोटोर द्वारा पीछा करने के दौरान गॉर्डन अलग हो जाता है। एनी और डेव के दिल को स्थापित करने के साथ हैरी और उसकी टीम उस महत्वपूर्ण क्षण को कैद कर लेते हैं जब दिल जीवंत हो उठता है। इसके साथ ही मिनोटोर लगातार गॉर्डन का पीछा करता है जो कार्डबोर्ड ब्लेड से लियोनार्ड की मृत्यु का गवाह है। भूल भुलैया के केंद्र में डेव दिल पर तलवार से हमला करता है जिससे उसका विनाश शुरू हो जाता है। भूल भुलैया ढहने लगती है और समूह मलबे से सुरक्षित बाहर निकल आता है। सफलता के बावजूद डेव अपनी जटिल रचना के खोने का शोक मनाता है। हैरी अपने उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करता है, उसे आगामी वृत्तचित्र की याद दिलाता है, यद्यपि विशिष्ट रूप से अपमानजनक तरीके से। समूह लगन से भूल भुलैया के अवशेषों को साफ करता है और बचे हुए अवशेषों को बाहर फेंक देता है। जैसे ही वे प्रस्थान करते हैं, मिनोटोर और एक ओरिगमी पक्षी फेंकी गई सामग्रियों से निकलते हैं जो मानवता के खिलाफ प्रतिशोध का इरादा रखते हैं। भविष्य अनिश्चित बना हुआ है क्योंकि समूह को अप्रत्याशित भाग्य के परिणामों का सामना करना पड़ रहा है।